हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो सुबह का टाइम है और मैं इधर बाहर के एरिया में आई हुई हूँ, मतलब कि घर के बाहर के एरिए में, और मुझे इधर की करनी है साफ़ सफ़ाई, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, क्योंकि ना आज मैंने इधर से ही कर दी है शुरुआत। आज ना धूप बहुत तेज़ है, आज क्या 2-3 दिन से ना धूप बहुत तेज़ हो रही है। तो मैंने सोचा कि ना पहले जैसे कि बाहर के जो भी काम है उनको ख़त्म कर लेते हैं, फिर क्या होगा कि फिर अंदर काम करते रहेंगे, जैसे कि सीरक सीरक में, ठंडक में काम करते रहेंगे। फिर चाहे कितना ही लेट हो जाए काम, फिर कोई वो नहीं होती। और अभी ना मैं पशुओं को पानी पिला करके आई थी, तो छोटे छोटे 2 पशु हैं अभी हमारे पास, तो मैं उनको पानी वगैरह पिला करके आई थी, जिससे ना मेरे कपड़े भी गीले हो गए थे। तो क्योंकि ना उनको भी पानी पिलाना ज़रूरी था, गर्मी हो रही है तो नहलाना, पानी पिलाना, सुबह में ये काम उनके होते हैं पशुओं के। तो वो काम मैं सारे करके आ गई हूँ और मैंने सोचा कि चलो उधर की साइड चलते हैं, उधर बहुत तेज़ सामने की धूप है, उधर का काम कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, जो हमारा मिट्टी का चूल्हा है उसके पास थोड़ा सा सामान रखा है, जैसे कोई एक्स्ट्रा होता है ना थोड़ा बहुत सामान, तो मैं रख देती हूँ। उससे क्या है कि जैसे कोई ज़रूरत का सामान, जिससे कि नाफिक है, जैसे कि हमने घर की सफाई की, कुछ भी किया, तो उससे क्या है कि ना जो एक्स्ट्रा होता है मैं इधर की साइड रख देती हूँ। फिर क्या करती हूँ कि जो मुझे रखना होता है उसमें से, जैसे कि होता है ज़रूरत का सामान तो जल्दबाजी में हम फेंक देते हैं, लेकिन ना फिर मैं तसल्ली से उसको देख लेती हूँ। अगर वो ठीक होते हैं, ज़रूरत होती है तो मैं रख लेती हूँ, और ज़रूरत नहीं होती है तो फिर मैं नीचे रख के आ जाती हूँ, जैसे कि किसी को दे देते हैं, बेच देते हैं, वो वाली बात है। तो अभी यहाँ पर मैंने इधर की साइड का जो कचरा था वो यहाँ पर मैंने इकट्ठा कर लिया है। इधर ना एक पाइप लगी हुई है, जैसे कि बरसात का पानी जाता है ना, तो यहाँ पर वो वाली पाइप है। तो उससे क्या करती हूँ कि मैं इस कचरे को अंदर की तरफ नहीं ले जाती हूँ। इधर क्या रहता है कि पक्षियों की वीट वगैरह ये सब रहती हैं, तो उससे पंख वंख से ये सब रहते हैं, तो उनको मैं इधर से ही और इसमें पाइप से और नीचे झाड़ू से करके नीचे की तरफ गिरा देती हूँ, उधर अपने घेर में। क्योंकि इधर चारों तरफ हमारा ही घेर है, घर घेर जो है वो बहुत काफ़ी बड़ा है, तो इधर चारों तरफ हमारी जगह है यहाँ पर, तो उधर की तरफ गिरा देती हूँ। अगर ज़्यादा फिर मोटा कचरा वगैरह होता है तो उसको उठा करके और फिर मैं डाल देती हूँ। तो अभी यहाँ पर ये काम मैंने कर दिया है, झाड़ू को रख के अंदर आऊँगी तो झाड़ू मेरी लग गई है और मैं जा रही हूँ उधर। वो चारपाई जो खड़ी हुई है उसको अंदर लेकर के आऊँगी, क्योंकि रात ना लाइट नहीं आई थी, बहुत ही गर्मी हो रही थी और लाइट बिल्कुल भी नहीं आई थी। तो हमने उधर छत पर ना चारपाई डाल ली थी खुले एरिए में, तो उधर ही हम लेटे थे, सोए थे। तो अभी ना उनको सबको मैं अंदर ले करके आ रही हूँ। पहले भी ले गई हूँ मैं चारपाई को, अभी एक और रह गई थी तो इसको भी अंदर ले करके जा रही हूँ, क्योंकि सारी चारपाइयों को मैं अंदर खड़ी कर लूँगी, क्योंकि धूप से ना ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अगर धूप में आप छोड़ दो तो फिर ख़राब हो जाती हैं, इसीलिए मैंने पहले इनको अंदर कर दिया है। तो यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ पोचा, और ना यहाँ पर जैसे कबूतर, चिड़िया, मोर, बहुत सारे पक्षी बैठ जाते हैं इधर,
तो यहाँ पर ना वो गंदा कर देते हैं, तो फिर जैसे पोछा लगाते हैं अगर आप ऐसे ही लगाते चले आओ तो वो रह जाते हैं। तो इससे क्या है कि मैं पैर से दबा करके पोछे के कपड़े को और जब लगाती हूँ तो वो सारा साफ़ हो जाता है। तो अभी ना मैं इधर ही लगा रही थी, और सारी चीज़ों को हटा हटा करके लगाना होता है क्योंकि ना यहाँ पर भी थोड़ा बहुत सामान रहता ही है। और ये सीढ़ी और बीच में खड़ी कर दी है अनुष्का के पापा जी ने, क्योंकि गर्मी हो रही थी तो वो ऊपर ऊपर वाली छत पर चले गए थे लेटने के लिए, क्योंकि ऊपर ना बहुत तेज़ हवा लगती है। और तो वो इसीलिए उन्होंने ना ये सीढ़ी उधर थोड़ी दूर अलग साइड में करवा दी थी मैंने, लेकिन उन्होंने फिर बीच में खड़ी कर दी। और बीच में ना अच्छी नहीं लगती, साइड में हो तो सही है। तो पर चलो कोई नहीं, अभी मैं तो करूँगी नहीं इसको साइड में, वो ही कर देंगे जब वो आएंगे, जब उनसे ही मैं करा दूँगी। तो अभी उधर की साइड में लग गया, बारी आती है इधर की साइड में। इधर ना लाइट का बहुत सारा सामान है, केबल वगैरह है, तो इधर भी ना थोड़ा बड़े ध्यान से लगाना पड़ता है पोछा। ऐसा नहीं है कि आप लगाते चले जाओ लगाते चले जाओ, क्योंकि डर भी लगता है इसीलिए, क्योंकि ना सावधानी ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ, और इधर भी ना इसके नीचे जो ये रखा हुआ है इसके नीचे ना मेरा वाइपर चला जाता है, झाड़ू भी चली जाती है, तो मैं इसीलिए ना इसको अच्छे से लगा लेती हूँ। अभी यहाँ पर धूप आप देख सकते हो चारों तरफ कितनी तेज़ वाली हो गई है, आंखें भी नहीं खुल रही थी इधर, इतनी तेज़ वाली धूप थी। और अभी ना शायद टाइम का लगभग ऐसा होगा 7:30 बज रहे होंगे, बस ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, या 7:30 नहीं होंगे तो 7:45 होंगे बस, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने काम अब से पहले कर भी लिया है, तो हो सकता है इतना टाइम हो। मैंने अंदाजे से बता रही हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 7:45 बजे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। अभी मैं इधर आ गई हूँ अंदर अंदर, ये चारपाई जो मैंने खड़ी कर दी थी ना, तो मैं जल्दी से इधर खड़ी कर गई थी, मैंने कहा इसे बाद में अच्छे से रख लूँगी, पहले उधर से आती हूँ काम करके। और यहाँ पर ना ततैया बड़ा परेशान कर रहा था, कैसे ही जैसे मैंने गेट खोला है ना तो वो अंदर आ गया है, तो अभी ना वो पर्दे की वजह से बाहर नहीं जा पाएगा जब तक मैं इन पर्दों को नहीं खोलूँगी। जब मैं इन पर्दों को खोल दूँगी तो फिर वो बाहर की साइड में चला जाएगा, क्योंकि बाहर की साइड में घूमते रहते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर आ जाते हैं ना, रूम में आ जाते हैं, बरामदे में आ जाते हैं, तो फिर थोड़ा डर लगता है। उधर से मैं आ गई हूँ इधर, और वो कपड़ा जो पोछे का कपड़ा था जो मैंने उधर पोछा लगाया, उसको मैं धुलने के लिए आई हूँ, क्योंकि बाहर का पोछा का जैसे कपड़ा है वो गंदा हो जाता है बाहर, अंदर से ज़्यादा तो धूल मिट्टी रहती ही है बाहर की साइड। तो मैंने सोचा कि चलो इसको धो करके लाते हैं, क्योंकि अंदर भी हमें अभी पोछा लगाना है झाड़ू लगाने के बाद, तो मैं इसे धुलने के लिए आ गई थी साफ पानी से। मैंने कहा इसको धुल करके लाऊंगी, वरना तो ऐसे ही मैं पोछा लगाने लगूँ ना तो बहुत गंदगी अंदर हो जाएगी घर में, इसीलिए तो बस यही काम के लिए मैं यहाँ पर आई थी इसको करके, और फिर जाऊँगी मैं अंदर।
तो अभी यहाँ पर मैं लेकर के आई हूँ सिलेंडर को। सिलेंडर मैंने भरवाया था तो वो अंदर नहीं रखा था। उस दिन अनुष्का थी घर पर जब सिलेंडर भरा गया था, तो मैं और अनुष्का नीचे से ऊपर लेकर के आए थे दोनों पकड़ करके, क्योंकि उसके पापा जी घर पर नहीं थे। वजन बहुत ज़्यादा होता है इसमें, तो अकेले से तो उठता नहीं है। तो अनुष्का ने यहाँ पर रखवा दिया था मेरे साथ, क्योंकि सीढ़ियों से चढ़ाना होता है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसके पापा ज़्यादातर रहते ही नहीं हैं, सिलेंडर ज़्यादातर मुझे ही भरवाना पड़ता है। 99% सिलेंडर मैं खुद ही भरवाती हूँ, वो चले जाते हैं काम से। तो फिर ये है कि गाड़ी अब तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, क्योंकि गाड़ी यहीं पर आ जाती है। अब पहले जैसे ही वो सिस्टम नहीं है कि हमें बाज़ार जाना है, वहाँ से सिलेंडर वगैरह भरवाना है, सुविधा बहुत अच्छी हो गई है। अब घर के सामने गाड़ी आती है, आराम से भरवा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। तो बस ये अभी मैंने यहाँ पर रख दिया था, उस दिन मैंने अंदर नहीं रखा था, तो अभी यहाँ पर मैं वो ही रख रही थी और वजन काफ़ी था। बड़ी मुश्किल से मुझसे ये अंदर की तरफ गया, बस ये है जैसे तैसे करके मैंने इसे अंदर रख ही दिया था। तो अभी यहाँ पर डब्बे वगैरह जो मैंने निकाले थे, क्योंकि सामने डब्बे रखे हुए थे, कोने में मैं एक कोने में रखती हूँ दोनों सिलेंडरों को, तो वो फिर मैंने सामने से पहले हटाए, फिर उनको सिलेंडर को अंदर किया, फिर उन डब्बों को पूछा जिस अच्छे से। मैंने कहा जब बाहर निकाल ही लिए हैं तो फिर इनको पूछ लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं और फिर इनको अंदर रख देंगे। तो अभी यहाँ पर सिलेंडर और डब्बे जो भी सामान मैंने निकाला था वो सारा मैंने अंदर कर दिया है। कई सामान निकालने पड़ जाते हैं सामने से, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम सिलेंडर रख रहे हैं तो फिर पूरे इसमें सिलेंडर ही रहेंगे, नहीं। सामान इतने सारे हो जाते हैं घर में कि आप कहीं पर भी सामान रखना शुरू कर दो, आपकी जगह भर ही जाएगी, सामान इतने सारे हो जाते हैं। बस यही है कि अपना अच्छे से सेट कर लेते हैं तो उसे अच्छे से दिखाई देते हैं, वरना तो फिर गंदे लगते हैं देखने में भी। तो वो चीज़ें मैंने सारी नीचे सेट कर दी हैं। और अभी मैंने सोचा कि यहाँ पर ना आलू उबाले थे मैंने, तो वो रखे हुए थे बचे हुए, क्योंकि अनुष्का को बनाया था मैंने सैंडविच पनीर का, आलू का, शिमला मिर्च और ये सारी चीज़ें भर के। टमाटर अनुष्का खाती नहीं है तो पनीर वाला वो सैंडविच लेकर के गई थी, तो अभी उसमें से आलू बच गए थे, क्योंकि ना मैंने उसी हिसाब से आलू उबाल लिए थे कि थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, सब्जी वगैरह जो भी कुछ बनेगी तो बना लेंगे। तो वो मैंने इस कटोरे में निकाल के रख दिए हैं, तो अभी इनको एक साइड में रख दूंगी। और अब बस वही थोड़े बहुत काम चल रहे थे किचन के। अभी तो वैसे मुझे किचन का काम नहीं करना है, मैं सोच रही हूँ अभी अंदर का ही काम कर लूँ, क्योंकि अंदर का काम भी सारा ऐसे ही है। तो मैं इधर आ गई हूँ, इधर पानी की बोतल वगैरह है और तकिए की हालत आप देख सकते हो कि अनुष्का और अनुष्का के पापा जी क्या बना देते हैं तकिए का, है ना। तो अभी यहाँ पर मैं ये पानी की बोतल वगैरह उठा करके ले जाऊँगी, भर के रखूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अब ना फ्रिज के पानी की ज़रूरत पड़ती है। मेरा भी मन करने लगा है गर्मी की वजह से कि ना, वैसे तो मैं ज़्यादा ठंडा नहीं पीती हूँ, लेकिन मिक्स कर लेती हूँ, जैसे कि ताज़ा पानी और इसमें से पानी लेकर के दोनों को मिक्स कर लेती हूँ तब पी लेती हूँ, तो उससे ना थोड़ी सी राहत मिलती है, ठंडक सी मिलती है। ऐसे ताज़ा पानी अब नहीं पिया जा रहा है, बीच में ना बहुत सर्दी सी हो गई थी जैसे कि बरसात वगैरह हो रही थी, तो फिर ना मैं नॉर्मल पानी ही पीती थी, लेकिन अभी थोड़ा मन करता है तो भी यहाँ पर लग गए हैं। वही डेली का अपना काम जो अपना होता है जैसे कि सुबह वाला, तो वही काम मैं यहाँ पर करना शुरू मैंने कर दिया है। और बस इसे करने के बाद ये झाड़ा पोछी जो भी है, डस्टिंग वगैरह, फिर मैं इन बोतल वगैरह सबको ले जा करके भर के और इनको भी रख दूँगी।
अभी यहाँ पर मैंने चादर झाड़ करके अच्छे से बिछा दी है, सेट कर दिया। और चादर बिछने के बाद, बेड को सेट होने के बाद आप देख सकते हो कि रूम में ना चार चांद लग जाते हैं। लगता है कि हाँ अब थोड़ा कमरा अच्छे से लगने लगा है। अगर आपकी बेड की चादर को ऐसे इकट्ठा सा कर दो और उस पर ना जैसे कि होते हैं रात को जैसे ओढ़ते हैं वो वाले कपड़े रख दो, तो फिर बहुत गंदा लगता है। आप कितना ही झाड़ू पोछा लगा लेना, लेकिन जब तक वो चीज़ें आप अच्छे से सेट नहीं करोगे ना, रूम की हालत ख़राब ही लगती रहेगी। तो अभी यहाँ पर यही टॉवल वगैरह जो भी था वही सारी चीज़ें मैं ले जा रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम अनुष्का नहा करके आती है और टॉवल कहीं रखती है, चप्पल कहीं रखती है अपनी, और मतलब सारे सामान को बच्चा ऐसे ही रख देता है सुबह सुबह। सुबह सुबह में ना मन भी नहीं होता है, बस जो कर लेती है ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर एक वो रखा हुआ था अखबार, तो उसको भी मैं लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि अनुष्का पता नहीं क्या क्या करती रहती है, सारे सामान को इधर उधर करती रहती है। लेकिन यह अच्छा लगता है ना जब वो चली जाती है और उसकी चीज़ों को मैं अच्छे से रखती हूँ, समेटती हूँ, उठाती हूँ, तो अच्छा लगता है। लगता है कि हाँ हमारा हमारे बच्चे ने ये किया है वो किया है, अच्छा लगता है इसमें। तो अंदर का सारा काम करने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ और यहाँ पर होगी वॉशरूम की क्लीनिंग। तो भी मैं देख रही थी यहाँ पर पानी वगैरह भरना होता है, वही सब यहाँ पर मेरा चल रहा था अपना काम। तो भी यहाँ पर जो भी सामान ऊपर रखा हुआ है स्लिप पे, उसको सारे को मैं नीचे उतार लूँगी और फिर मैं यहाँ पर इसकी धुलाई कर लूँगी। तो क्या है कि जैसे कि मैं वॉशरूम की डेली ही क्लीनिंग करती हूँ, जो मैं क्लीनिंग करूँगी वो मेरी डेली की ही है। तो मैं जैसे कि बोर्ड वगैरह हैं इसमें वॉशरूम में, बिजली वाले बोर्ड जो होते हैं, लाइट वाले, बिजली वाले जो भी आप बोलते हैं, हम बिजली बोल देते हैं देसी भाषा में, लाइट भी बोल देते हैं, तो उसके जो भी बोर्ड होते हैं उन पर भी कपड़ा लगाना, क्योंकि उन पर भी गंदगी हो जाती है, छिपकली वगैरह होती हैं, मकड़ी वगैरह ये सब गंदगी कर देती हैं, तो डेली कपड़ा लगाते रहते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो वही सब चल रहा है मेरा यहाँ पर। तो इनको धुल करके, स्लिप को धुल करके, और ये सारे जो भी डब्बे वगैरह हैं सब कुछ धुल करके फिर से मैं ऊपर रखूँगी। और इसमें ना इस मग्घे में ब्रश, कोलगेट और फेस वॉश, ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर रख लेती हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये मेरा मग्घा ना थोड़ा सा टूट गया था, तो मैं सोचा कि चलो ये इसके काम आ जाएगा, इसमें सही रहेगा ये सामान, इधर उधर नहीं फैलेगा, इसीलिए मैं रख लेती हूँ। पानी मैंने चला लिया है और अभी फ़िलहाल पानी ताज़ा ही आ रहा है, तो मैंने कहा चलने देते हैं इसमें, ये टब भर जाएगा। तो अभी इसको मैंने बंद कर दिया है फिर दोबारा से, फिर मुझे लगा कि नहीं ऐसे नहीं बेकार करते हैं, और जब चला लेंगे जब ज़रूरत होगी, अभी तो टब भरा हुआ है, तो इसीलिए अभी यहाँ पर लग जाते हैं अपनी वॉशरूम की क्लीनिंग पर।
यहाँ पर मैं पानी डाल करके और अच्छे से इसको रगड़ रही थी, क्योंकि ना मैं हारपिक वगैरह कुछ नहीं लगा रही, तो अच्छे से ब्रश से रगड़ना होता है, क्योंकि ना फिर भी चाहे कितना ही आप डेली करो फिर भी ना चीज़ें गंदी हो जाती हैं, तो उससे क्या है कि डेली की डेली साफ़ करते रहते हैं तो अच्छा रहता है, वरना अगर हम 10 दिन में या हफ्ते में एक दिन करें ना तो फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इतनी अच्छे से साफ़ भी नहीं हो पाती हैं। अगर हम डेली किसी चीज़ पर कपड़ा लगाएं, डेली किसी की सफाई करें तो उसकी चमक अलग रहती है। अगर हम कभी कभी किसी काम को करें, कभी कभी कपड़ा लगाएं, कभी कभी जैसे कि वो करें सफाई करें, और कभी कभी ही हम कपड़े से सफाई करें, तो वो फिर उसकी चीज़ें अलग हो जाती हैं, चमक अलग हो जाती है। तो यहाँ पर अभी वो मेरी जो मैं धुल रही थी यहाँ पर वो मेरी धुलाई हो गई है, और अभी आता है नीचे के एरिया का वो आता है, तो अभी इसे करती हूँ पहले झाड़ू से, ब्रश से तो पहले मैंने इसे यहाँ पर घुमाऊँगी और उसके बाद फिर मैं झाड़ू से करूँगी। दोनों चीज़ों से करती हूँ, एक से नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं जल्दबाजी में बस झाड़ू से ही कर लूँ और छुट्टी, नहीं, दोनों चीज़ों से करती हूँ, उससे अच्छी से रह जा अच्छा हो जाता है और भी। तो यहाँ पर इसको करने के बाद, और फिर अभी तो मुझे कोई काम नहीं करना है, इधर वॉशिंग मशीन को कर लूँगी आगे की तरफ, बस रहता है कि सारे सामान को हम आगे की साइड में करके इनके पीछे से जो भी है अच्छे से निकाल लें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी, तो कल आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।